सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। आखिरकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्ती के सामने हार मान ली। सिद्धू और इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के ऐलान पर घुटने टेकते हुए नाकाबिले यकीन ऐलान कर दिया। दुनिया भर के सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। भारत ने करतारपुर बॉर्डर खोलने पर पाकिस्तान की तजवीज़ की तौसीक कर दी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मस्बत इकदाम का खैर मकदम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की ट्वीट में कहा है कि करतारपुर बॉर्डर खुलना दोनों ममालिक की अमन पसंद लाबी की फतह है। भारतीय काबीना ने करतारपुर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तजवीज़ की तौसीक कर दी। ये दुरुस्त सिमत में कदम है। तवक्को है कि ऐसे इकदाम से सरहद के दोनों जानिब मुतवाजन आवाज़ें की हौसला अफजाई होगी। इससे कबल भारत के दफ्तर खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत लिखकर करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर शुक्रिया अदा किया। सफारती ज़राए के मुताबिक भारत का कहना था कि करतारपुर से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौकफ खुशाइंद है। दूसरी जानिब भारत की काबीना ने करतारपुर बॉर्डर तक कॉरिडोर की तामीर की मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कॉरिडोर ग्वादरसपुर में डेरा बाबा गुरु नानक से बैनुल अक्वामी रोड तक बनाई जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम ने बताया है कि बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 1600 सिख यात्री वाघा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सिख यात्री पाकिस्तान में 10 रोज तक कयाम करेंगे। सिख यात्रियों की सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहब से सच्चा सौदा लाया गया, जहां वो गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मेहमान सिख यात्रियों के लिए लंगर और मेडिकल की सहूलत फराहम की गई है, जबकि सिक्योरिटी पर 1000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात हैं। याद रहे कि सितंबर में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान जल्द सिख यात्रियों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।